हेलो दोस्तों, एएलपी CVT2 के लिए जो इंजीनियरिंग ड्राइंग से ज्योमेट्री फिगर का जो चैप्टर है उससे मैं आप लोगों को आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से, निश्चित लंबाई की सरल रेखा चुनें। निश्चित लंबाई की सरल रेखा चुनी, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो बिंदुओं के कम से कम दूरी को कौन सी रेखा दर्शाती है? इसमें दो ही ऑप्शन है, कोई बात नहीं दोस्तों, दो ही ऑप्शन देख लेंगे। तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, सरल रेखा। दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी को कौन सी रेखाएं दर्शाती है? सरल रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खारे पानी के ऊपरी सतह के समानांतर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? खारे पानी की ऊपरी सतह के समानांतर खींची गई रेखा कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है? हॉरिजेंटल लाइन कहलाती है, हॉरिजेंटल लाइन कहलाती है। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक रेफरेंस लाइन पर खड़ी लंब रेखाएं कहलाती हैं। एक रेफरेंस लाइन पर खड़ी लंब रेखाएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं दोस्तों? वर्टिकल लाइन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों? वर्टिकल लाइन कहलाती हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक सरल रेखा जो न वर्टिकल है और ना ही हॉरिजॉन्टल, उस लाइन को क्या कहते हैं? एक सरल रेखा जो न वर्टिकल है और ना ही हॉरिजॉन्टल है, उस लाइन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों उस लाइन को? सी ऑप्शन नंबर जो इसका जो होगा, झुकी रेखा। झुकी रेखा, ठीक है, जो न वर्टिकल है और ना ही हॉरिजॉन्टल, उसको क्या कहते हैं? झुकी देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक सरल रेखा है, क्षैतिज रेखा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी कोई भी नहीं, कोई भी, चलिए इनमें से कोई भी नहीं। चलिए इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को क्या कहते हैं? एक सरल रेखा, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच के कम से कम की दूरी को क्या कहते हैं? सरल रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अंश एक कोण की इकाई है, अंश एक कोण की इकाई है, अंश एक कोण की इकाई है, क्या है दोस्तों? अंश जो है एक कोण की इकाई है, इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अंश एक कोण की इकाई है, इसका जो है जो पूरा जो सर्कल होता है उसका कितना डिग्री कोण होता है? 360 डिग्री का क्वेश्चन है, तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त में कितनी डिग्री होती है? तो ये बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते होंगे 360 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम परिणाम को कोण कहलाते हैं? 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम क्या कहलाते हैं दोस्तों? रिफ्लेक्स कोण को कहते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्स कोण। इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर रिफ्लेक्स कोण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अधिक कोण का मान क्या होता है? ये आप लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर थ्री हमने नहीं देखा था, तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री को। इस लाइन में एक गमनकर्ता बिंदु अपनी दिशा बदलता रहता है, इस प्रकार बनी रेखा का नाम बताओ। एक गमनकर्ता बिंदु अपनी दिशा बदलता रहता है, इस प्रकार बनी रेखा का नाम बताओ। समांतर रेखा, झुकी रेखा, वक्र रेखा, सरल रेखा। तो क्या है दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वक्र रेखा। वक्र रेखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दो लाइनों के मध्य 360 डिग्री तक कोण हो सकता है, नीचे दिए कोणों से न्यून कोण छांटें। न्यून कोण को क्या करना है, छांटना है। तो आप देख सकते हैं जो 90 डिग्री से जो कम होगा उसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। तो इसमें 90 डिग्री से कौन सा कोण दिख रहा है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री से अधिक है, और ये भी जो है 90 डिग्री से अधिक है। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। कोणों की पहचान उसके परिणाम से होती है, इनमें से कौन सा रिफ्लेक्स कौन है। तो इसमें रिफ्लेक्स कौन कौन है देख सकते हैं आप दोस्तों, देख कर बताइए चारों ऑप्शन में से। तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कोणों की पहचान उसके परिणाम से होती है, इनमें से कौन सा रिफ्लेक्स कौन है, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी आइए, चलिए दोस्तों। निम्न में से किस कोण का मान स्थिर होता है? तो सरल कोण का मान जो है दोस्तों वो स्थिर होता है, ठीक है। किस कोण का मान स्थिर होता है, तो सरल कोण का मान स्थिर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से न्यून कोण को छांटना है। तो ये बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 या 5 का क्वेश्चन है, उसमें भी शायद 4 या 5 क्लास का क्वेश्चन है। तो चलिए ये सिंपल क्वेश्चन, 32 डिग्री जो हो जाएगा वो न्यून कोण, 90 डिग्री कोण जो होता है, 90 डिग्री जो कम होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको न्यून कोण बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 90 डिग्री से अधिक वो 180 डिग्री से कम किसी मान का कोण कहलाता है, क्या कहलाता है, 90 डिग्री से अधिक व 180 डिग्री से कम किसी मान का कोण कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, जो है अधिक कोण कहलाता है। 90 डिग्री से कोण अधिक क्या कहलाता है, अधिक कोण, और 90 डिग्री से कम जो कहलाता है वो न्यून कोण कहलाता है। बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन है ये, फिर भी चलिए आप लोग जो पढ़ना है तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 180 डिग्री का कोण होता है, क्या होता है दोस्तों, 180 डिग्री कोण क्या होता है, 180 डिग्री का कोण क्या होता है दोस्तों, सरल कोण होता है। 180 डिग्री कोण क्या होता है, सरल कोण होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 192 डिग्री का कोण क्या, कौन सा कोण है, 192 डिग्री का कोण है, 192 डिग्री कोण क्या है दोस्तों, रिफ्लेक्स। 192 डिग्री कोण क्या है दोस्तों, रिफ्लेक्स कोण है। 192 डिग्री कोण क्या है दोस्तों, रिफ्लेक्स कोण है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से कोण का मान रेंज में न होकर निश्चित होता है, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, सरल कोण, क्या हो जाएगा, सरल कोण। चलिए तो ये 20 क्वेश्चन हो गए हैं, आप लोग 20 क्वेश्चन को ढंग से देख लीजिएगा। कोई ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपने अगर 9 और 10th में अच्छे से पढ़े होंगे तो ये तो बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं,
भी एक बार आप इसको ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, धन्यवाद।